फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। और आज आपको कुछ नए गार्डनरों के लिए बताने जा रही हूँ। देखिए, इस तरह से क्यारी बना लीजिए और इसकी मिट्टी एक बार फिर पलट दीजिए अगर आपकी एरिया में बारिश नहीं हो रही है। और बारिश हो रही है तो आप बुआई कर दीजिए। मेरे यहाँ पर 2-4 दिन बारिश हुई, अभी रुक गई है, इसलिए मैं इस मिट्टी को फिर से पलट रही हूँ। इस तरह से इस पूरी क्यारी की मिट्टी को इस तरह से फिर पलट रही हूँ। और देखिए कितनी रिच मिट्टी है। देखिए आप इसके एक बार गौर से देखिए, इसमें इतनी हमने पौष्टिक तत्व वाली सामान डाले, जैसे किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काऊ गाय का दो साल पुराना गोबर, नीम खली, राख, सब मतलब जो भी हमें जितना आता है, चूना और हल्दी मिला के मिट्टी हमने रिचार्ज करके क्यारियों में भरी है। तो जब तक बारिश नहीं हो रही, मैं इसको एक बार फिर पलटूंगी। इसके बाद में मैं इसमें रिपोर्टिंग करूंगी, जैसे टमाटर एक में क्यारी में टमाटर, दूसरे में बैंगन, तीसरे में गोभी, इस तरह से जो जो हमारी पौध तैयार होती जाएगी मैं इसमें रिपोर्टिंग करती जाऊंगी। तो मुझे आज यही करना। हाँ, एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप बरसात जब आपके यहाँ होना शुरू हो जाए, उससे पहले आप 2-3 बोरियाँ, ये नहीं कि आप पूरी सॉइल बनाई और बैगों में भर दी, क्यारियों में भर दी और कुछ भी आपके पास सूखा नहीं, आप 2-3 बोरियाँ छाया वाले स्थान पर ज़रूर रख देना, क्योंकि उस समय मिट्टी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और उस समय गीली मिट्टी में आप चाहो कि सीड लगा के पौध तैयार कर लें तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इतनी बढ़िया मिट्टी बना के आप बोरियों में भर के रख दीजिए उस समय के लिए, सूखी मिट्टी के लिए। और जो आपकी खाद आद है वो भी आप छाया वाले स्थान, जहाँ पर आपके शेड लगा हो, जहाँ पर आपके कुछ बारिश का पानी ना जाता हो, वहाँ पर रख दीजिए। तो मैं तो इस तरह से अभी भी पूरे 2 महीने से मई और जून में पूरी मिट्टी को रिचार्ज करके और इस तरह से पूरी तैयारी करके भर दिया। और कम से कम 5-6 बोरी मैंने अंदर शेड के नीचे रख दिया है, टीन शेड है उसके नीचे रख दिया है, जिससे वो सूखी बनी रहे। और इस तरह से हमने पूरा ये क्यारी मिट्टी से इस तरह से पलट देंगे इसको, क्योंकि गांव में भी आपने देखा होगा किसान है, वो अपनी मिट्टी की इतनी बार जुताई मतलब बैलों से ट्रैक्टर से मिट्टी को पलट देता है। तो इस तरह से आपको पूरी मिट्टी में सभी क्यारियों की इस तरह से दोबारा फिर पलट देनी है, क्योंकि जब बारिश हो तो ये मिट्टी ऊपर से नीचे सम एक जैसी हो जाए, इसलिए इस मिट्टी को मैं पपड़ी नहीं बनने दूंगी और दोबारा फिर से इसकी इस तरह से गुड़ाई कर दी। कुछ सूखी मिट्टी रखो और कुछ अपनी मिट्टी जो तैयार की उसकी गुड़ाई करते रहो, पोला बिल्कुल जिससे रहे। बारिश होगी तो आपकी मिट्टी जम जाएगी, तो इसकी गुड़ाई कर दोगे तो फिर से पोला हो जाएगी। और आप लोगों को बता दें कि सब्जी के अलावा आप अगर फ्लावर लगाना चाहें तो इस समय बारिश में वो भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने ये इस तरह से कटिंग करके गुलाब लगाया, गुलाब में देखिए कितने अच्छे से पत्ते आने लगे। ये देखिए गुलाब में जगह जगह से ब्रांच निकलने लगे। ये देखिए ये हमारे यहाँ जब बारिश हुई तो उसी दिन कटिंग करके मैंने ये गुलाब लगाया था। देखिए किस तरह से ये गुलाब की कटिंग लग गई और सब जगह से ये इसमें ब्रांच निकलने लगी। ये देखिए यहाँ पर आके थोड़ा बड़ी कटिंग लगाई थी मैंने इस तरह से। तो आप गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हो, आप करी पत्ती की कटिंग भी लगा सकते हो। अरे देखिए बारिश होते ही हमारे बगिया में बाहर आ गई। ये बैंगन का पेड़ देखिए, ये भिंडी देखिए, ये सब गर्मी की वजह से झुलस रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई है इन सब में हरियाली आ गई है। और जो चीज़ सूख रही थी वो भी हरी नज़र आने लगी है। और इसके बाद में आपको मैंने जितनी सीडलिंग तैयार की वो भी आपको दिखाएं। ये देखिए टमाटर की सीडलिंग इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, टमाटर की सीडलिंग है, ये बैंगन की सीडलिंग है, और ये इधर रखी है ये मिर्ची की सीडलिंग है। तो इस तरह से ये भी मैं केवल ये प्रतीक्षा कर रही, थोड़ी सी ये बड़ी हो जाए, 10 दिन बाद में इनका बारिश होने और अच्छी होगी। उसी समय जिस दिन रिमझिम हल्की हल्की बूंदों की बारिश हो रही होगी उस दिन मैं इन प्लांट को निकाल के उन्हीं क्यारियों में रिपोर्टिंग करेंगे। तो
तैयारियां दो सब तरफ से करनी पड़ेंगी। आपको ये भी ध्यान लगाना करना पड़ेगा कि आपके 3, 2, 1 और आपको और भी कुछ दिखाना चाहते हैं, देखिए ये हमारे ये फ्लावर प्लांट है और इनकी कटिंग देखिए किस तरह से बढ़िया चल रही है। ये मैंने बारिश से जिस दिन हो रही थी उस दिन करौंदा का प्लांट लगाया, ये भी अच्छा चल रहा है। तो बारिश का मौसम सबसे अच्छा होता है। मेरे जो नए फ्रेंड दोस्त है उनसे हम जरूर कहेंगे कि इस बारिश में अगर आपको अगर आज तक आपने बागवानी नहीं की है तो आप इस समय जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि बारिश में सीड और कटिंग दोनों इतनी अच्छी से चलती हैं, कोई डाउट नहीं करना, हर चीज़ चल जाएगी। जिस समय आपके एरिया में बारिश हो रही हो उस समय आप सीड लगाएंगे तो सीड कभी 110% मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपका बीज उगेगा, जनरेशन होगा, उसका कोई भी बीज नुकसान नहीं होगा। या आपने जो भी कटिंग लगाई है वो आपकी कटिंग इतनी बेहतरीन ढंग से चलने लगेगी, नई नई कोमल कोमल ब्रांचेज निकलेंगी। हमने तो हर चीज की कटिंग कर दी है, देखिए नीम की कटिंग कर दी, नीम देखो किस तरह से नीचे से डालियां देने लगा। ये समी का प्लांट था, इसकी कटिंग कर दी, बहुत लंबा हो रहा था, कटिंग कर दी, अब देखिए कितनी सुंदर से ब्रांचेज निकलने लगी हैं। तो इस समय ये आपको यही सीजन है जिसमें आप अपने नए हो तो आप गार्डनिंग शुरू करोगे तो आपको हताश नहीं होने पड़ेगा, निराश नहीं होने पड़ेगा। आपको जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका हौसला बढ़ेगा। तो मेरे इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा कि आप लोग अगर इच्छुक हैं बागवानी के तो इस समय करिए। ये देखिए सहजन का कितना बड़ा प्लांट था, ये हमारी क्यारी को फाड़ देता, मैंने इसको यहाँ से कटिंग कर दी। अब ये देखिए सहजन की कितनी अच्छी ब्रांचेज इसमें दी है और ये चल रहा है। तो इस समय आप कटिंग भी कर सकते हो, कटिंग लगा भी सकते हो। अगर आपका प्लांट ज़्यादा पुराना है तो आप ऊपर से कटिंग कर दियो, क्योंकि वो छत पर बहुत लंबा हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये हमारी क्यारी फाड़ देगा। इसमें हमारी क्यारी में थोड़े से ईंटों में चटक आ गई, तो मैंने इनको जितने बड़े बड़े प्लांट थे उनको नीचे से सब काट दिया। देखिए नीम हमारा कितना बढ़िया चल रहा है ऊपर, ये नीचे से मैंने काट दिया, ऊपर दो डालियाँ चल रही हैं और अगले साल इसको ऊपर से काटेंगे तो नीचे से भी डालियाँ आने लगेंगी। ये देखिए मेरा पारिजात का पेड़ है, अभी हम कल परसों इसकी भी कटिंग करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है, छत पर इतना बड़ा पेड़ सही नहीं होता है, अभी इसलिए छोड़ दिया था, गर्मी में सब पेड़ मर रहे हैं तो कम से कम इसकी छाया होगी। तो बस यही सब हमें बताना था। और इस समय करी पत्ती के अगर आपको सीड मिल जाए, जैसे ये सीड लगे हुए हैं तो आप सीड से भी उगा सकते हो, और नहीं आपके पास सीड मिल रहे हैं तो आप इसकी डाल या इतनी मोटी काट के कहीं भी लगा देना, आपकी ये डालें चल जाएंगी। तो इस तरह से हम ज़्यादातर उन नए गार्डनरों को बता रहे हैं जो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सबसे अगर कोई अच्छा समय होता है तो बरसात का और सर्दी का होता है सब्जी लगाने के लिए, फूल पत्ती लगाने के लिए। गर्मी में ट्राई करोगे तो आपको थोड़ी सी निराशा आएगी, क्योंकि गर्मी में प्लांट चलते भी हैं और सूख भी जाते हैं। बस यही है बताना था, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।